स्टार्ट जी। चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बाराबंकी जीनियस फॉर्म। एंड नया दिन, नई शुरुआत आपके साथ। और जैसा कि हम सब लोग जो है वो स्पोकन इंग्लिश के सेशन में हैं और सीख रहे थे कि किस तरीके से डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और ना सिर्फ ट्रांसलेट करें बल्कि उसको एट अ टाइम स्पोक यानी कि स्पीक यानी कि स्पीक का पार्ट भी करें। और बोलने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मुझे लगता है कि अगर हमें हिंदी से पता चल जाए तो हमको आसानी से बोल सकते हैं। ठीक, कंटिन्यूशन में जैसे आज देख पा रहे होंगे यहाँ पर DLS लिखा हुआ है। DLS मतलब डेली लाइफ सेंटेंसेस, और ये पिछले 3-4 दिनों से ये सेशन कंटिन्यू है। और इसी कंटिन्यूशन में आज का जो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा है, अक्सर हम लोग बोलते हैं क्या, तुम्हें तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना, तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो इसे क्या कहेंगे? तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इसको इंग्लिश में आप बोलिएगा आई हियर यू। आई हियर यू इसका मतलब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई हियर यू। और अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आपको कहना आई डोंट हियर यू, आई डोंट हियर यू, वह इतना। अब इसमें आवाज़ के लिए या तुम्हारी आवाज़ के लिए योर वॉइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई हियर यू मतलब मैं आपको सुन पा रहा हूँ, और आई डोंट हियर यू का मतलब मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। करेक्ट? तो दोनों की जगह मतलब दोनों सेंटेंस में आवाज़ के लिए वॉइस वर्ड का इस्तेमाल ना करिएगा, अदरवाइज क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा सा वो इतना इफेक्टिव नहीं रह जाती जितना होना चाहिए। ठीक, और देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं। नहीं कर सकते, जैसे हमने आपसे कहा कि क्या तुम 1000 रुपये का इंतजाम कर सकते हो, आपने कहा ये कर सकते, क्या तुमने कहा कि तुम मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो, आपने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट। क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, इसको याद कर लिए। फिर आपने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, बोलिए बिल्कुल भी नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं आज के लिए, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल यानी कि कोई सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंग्लिश में आप कहिए नॉट एट ऑल। ठीक है, और देखिए जैसे कोई चीज़ है आपको देख करके आपके मुंह से तुरंत निकल जाता है लाजवाब, यानी कि जैसे किसी ने कोई क्रिकेट में कोई शॉट खेला बहुत अच्छा, आप वाह वेरी फाइन शॉट ना, या कोई डांस है, कोई म्यूज़िक है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको देख कर आपको लगता है कि ये बहुत ही या है, तो आप एक हिंदी में लाजवाब, माइंड ब्लोइंग अक्सर बोल देते हैं, या एक वर्ड आप बोलिए अल्टीमेट। क्या कहते हैं? अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब ही होता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, उसे कहा जाता है अल्टीमेट, यानी कि या तो आप माइंड ब्लोइंग भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन अल्टीमेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा साउंड क्रिएट करता है। ठीक, और देखिए नेक्स्ट है, तुम्हें कितनी देर लगेगी। अक्सर है ना, आप अपने दोस्तों से मान लिए आप उनके घर के बाहर आपने बेल बजाई और वो कह रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं, तो फिर 5 मिनट बाद फिर आप फिर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया बताओ तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम्हें कितनी देर लगेगी, तुम्हें कितनी देर लगेगी। अब इसमें समय का जिक्र हो रहा है तो आप ये सेंटेंस को ऐसे बोलिएगा हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। तो ये जो हाउ लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग में टाइम जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसलिए हाउ लॉन्ग टाइम अगर बोल देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और वो सुपरफ्लुअस होता है, वो अच्छा साउंड क्रिएट नहीं करता। तो आप सिर्फ इतना बोलिएगा हाउ लॉन्ग विल यू टेक, यानी कि आपको कितना वक्त लगेगा, आपको कितना समय लगेगा। ठीक, तो देखिए आज के DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंस हो गए, तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ रही आई हियर यू, और नहीं सुनाई पड़ रही आई डोंट हियर यू, नहीं कर सकते ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, लाजवाब अल्टीमेट, और तुम्हें कितना देर लगेगी हाउ लॉन्ग विल यू टेक। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि बाद में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए, तो ये हो गया आपका डेली लाइफ सेंटेंसेस। और इसके अलावा
जो आपको मैं वोकेबलरीज करा रहा था वो करा रहा हूँ, ताकि आपको एवरी डे का जो एक पूरा शेड्यूल है वो मिलता रहे। ठीक, तो आज आपके जो वर्ड्स हैं मैं आपको लिखा देता हूँ। चलिए, आज के जो वोकेबलरी है मैं आपको वोकेबलरी में आज वर्ब कराता हूँ। वर्ब जैसे पहला है आज का संबंध तोड़ना, देखिए तोड़ने की इंग्लिश ब्रेक होती है, अक्सर हम लोग ब्रेक द रिलेशनशिप बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो अप टू द मार्क होने चाहिए, एकदम सटीक होने चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं संबंध तोड़ना। अब तोड़ने के लिए ब्रेक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इसको कहते हैं ई वाला स्ट्रेंज, ESTRANGE, स्ट्रेंज द रिलेशन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेलिंग जो है वो ई से स्टार्ट हो रही है, एस से नहीं है। अगर एस लिखा होता तो स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है, लेकिन स्ट्रेंज का मतलब होता है ब्रेक द रिलेशनशिप, यानी कि संबंध को विच्छेद कर देना, यानी कि संबंध खत्म कर देना, या जिसको आप ब्रेकअप भी कहते हैं, है ना। ब्रेकअप जो है वो फ्रेजल वर्ब है ना, स्ट्रेंज द रिलेशन, या इसी को अगर फ्रेजल वर्ब में लिखें तो इसी को ब्रेकअप कहा जाता है। आप देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये एक चलन है कि आज ब्रेकअप इनके साथ हो गया तो उनसे पैचअप हो जाता है, तो ब्रेकअप का मतलब स्ट्रेंज द रिलेशनशिप, यानी कि संबंध को तोड़। ठीक, और देखिए बात को गलत साबित करना, ये भी एक वर्ब है, बात को गलत साबित करना। आप देखिए बहुत से लोग हैं जब डिबेट होती है तो उसमें अपना स्टेटमेंट रखते हैं, तो जो अपोजिशन वाला होता है वो आपकी बात को काटता है, काटने का मतलब वो अपनी बात, आपकी बात को अपने स्टेटमेंट के द्वारा, अपने फैक्ट्स के द्वारा जस्टिफाई करता है, यानी कि वो आपकी बात को गलत साबित करता है। तो इसके लिए वर्ड है कन्फ्यूट, CONFUTE, कन्फ्यूट द स्टेटमेंट। कन्फ्यूट द स्टेटमेंट यानी कि बात को गलत साबित करना। ठीक, दूसरा, तीसरा, अपनी बात सही सिद्ध करना। अपनी बात सही सिद्ध करना यानी कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसको जस्टिफाई करना, भले ही आप उसके लिए एग्जांपल्स दें, फैक्ट्स दें या एविडेंस दें। तो इसके लिए क्या होता है, अपनी बात को सही साबित करने के लिए इंग्लिश में वर्ड है एलेज योर स्टेटमेंट, एलेज, ALLEGE, एलेज योर स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो जितने वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ ये कंपटीशन में सब इस्तेमाल होते हैं, और डे टू डे लाइफ में भी आप इनका यूज़ करके अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सख्त कदम उठाना, सख्त या कह सकते हैं कठोर, कठोर कदम उठाना। आप देखिए अक्सर होता है जैसे जब कभी भी कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती, नहीं वो अपराध होता है कोई, है ना, कोई गलती की जाती किसी के द्वारा, तो अगर कोई अपराधी है अगर उसको पकड़ लिया, अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक वक्तव्य आता है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी या कड़े कदम उठाए जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन, टेक स्ट्रिक्ट, आपने सुना होगा, बट ये वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ स्ट्रिंजेंट, ये आपके कंपटीशन में बहुत आता है, टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस या स्टेप्स। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर कार्रवाई को इंग्लिश में स्ट्रिंजेंट एक्शन या स्ट्रिंजेंट स्टेप्स कहा जाता है। तो जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर में अक्सर यह स्टेटमेंट आता है कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, द स्ट्रिंजेंट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट, है
है ना, तो ये सेंटेंस मिल सकता है। ठीक, हाथ जोड़कर माफी मांगना, आज का जो पांचवा है ये फ्रेज की तरीके से होता है, हाथ जोड़कर माफी मांगना। हाथ जोड़कर माफी मांगना इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि वहां पर जो बात है वो बन जाए और चीजें जो हैं वो बनी रहें, इसके लिए आप हर वो कोशिश करते हैं जिससे जो है गलती जो है भले ही एक समय आपकी ना हो फिर भी आप कोशिश करते हैं कि द रिलेशन विल नॉट स्ट्रेंज, हाँ, और वहाँ पर चीज़ें यथावत बनी रहें। तो उसके लिए कहते हैं ईट एंड हम्बल पाई, ये एक फ्रेज है, ईट एंड हम्बल पाई, फाइन। तो चलिए देखिए, आज के लिए मैंने 5 वर्ब दिए वोकैबुलरी में, आज आपको एडजेक्टिव नहीं दिया, आज आपको मैंने वर्ब दिया है। सब में देखिए ना है, ना जानते हैं, ना नी ने अगर किसी शब्द के अंत में है तो वो वर्ब होता है। संबंध तोड़ना स्ट्रेंज द रिलेशनशिप, बात को गलत साबित करना कन्फ्यूज द स्टेटमेंट, अपनी बात सही सिद्ध करना एलेज योर स्टेटमेंट, सख्त या कठोर कदम उठाना टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस या स्टेप्स, और हाथ जोड़कर माफी मांगना ईट एंड हम्बल पाई, फाइन। तो चलिए आज का ये सेशन मुझे लगता है कि आपके लिए सबके लिए यूजफुल है, दोज हु आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एज वेल। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, एंड स्टे होम स्टे सेफ इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक, थैंक यू।